हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक साउथ अफ्रीका की ब्रीड रिच बैग से मिलवाऊंगा। शेर से मुकाबला करने के लिए उसको ईजाद किया गया है और यहाँ पे पटियाला में मिस्टर तेजपाल सिंह हैं चीमा, वो अपने साउथ अफ्रीका से डायरेक्ट इंपोर्ट डॉग को लेके आए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं उसको कैसे उसको ट्रेन करूंगा। अभी तक उन्होंने उसको केज में से भी बाहर नहीं निकाला है और मैं आपको दिखा रहा हूँ रिच बैग डॉग, जो एक अपने शेर के साथ लड़ने के लिए, शेर के साथ मुकाबला करने के लिए उसको ईजाद किया गया है। अभी ये जस्ट ओनली 4 मंथ का डॉग है। आप देखिए रिच बैग, कम, ये देखिए, अभी ये बहुत एक्साइटेड है, नया ही अभी आया है ये, और बहुत ही ज़्यादा जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ये डॉग। और इसको हम थोड़ा काम करेंगे और थोड़ा सबमिसिव बनाएंगे इसको। आप इसकी जो जो इसकी ताकत है वो देखते ही बनती है। इसके बिग मस्कुलर है, जैसे पाकिस्तानी बुली होते हैं या फिर हमारे अफगान बुलीज होते हैं, ये बिल्कुल वैसी ही एक पावरफुल ब्रीड है। बट ये जो है शेर के सामने ये दौड़ते नहीं हैं, बल्कि उनका रुक के अपने आप को प्राउड बना के उसका मुकाबला करते हैं। इनकी स्पेशल जो है स्निफिंग पावर और लिसनिंग पावर बेहद पावरफुल है, बहुत ही अचूक है। छोटी सी आवाज़ आई इनको पता चल जाता है। और स्निफिंग पावर इनकी जो है ब्लड हाउंड डॉग की तरह ही एक काम करती है इनकी स्निफिंग। और मिस्टर चीमा, तेजपाल चीमा जी, ये चाह रहे हैं कि हम इसको एक ओबीडियंट और गार्ड डॉग बनाएं। सबसे पहले हम इसको ओबीडियंट बनाएंगे, उसके बाद इसको गार्ड करवाना सिखाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इसकी जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं। ये देखिए आप, इसके इसके पीठ पे सभी बाल एक डायरेक्शन में होते हैं, बट इसकी पीठ पे जो एक लाइनिंग होती है आप देख रहे होंगे, वो ओपोजिट डायरेक्शन में होती है। ऐसे बाल इस तरफ से जा रहे हैं वो, और उल्टी दिशा में इसकी एक लाइन बनती है और ओपोजिट डायरेक्शन में इसके हेयर होते हैं। तो इसकी जो सीजर होती है काटने वाली, इसके दांत होते हैं, कैंची जिसे हम बोलते हैं, सीजर बोलते हैं, वो बेहद ही शार्प और पैने तरीके की, बहुत आम डॉगों से ज़्यादा बड़ी होती है इसकी सीजर। और इसके कैनाइन और बाइट भी इसकी अगली जो है बहुत ही पावरफुल है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जल्दी। ये देखिए अभी भी ये पिंजरे को काट रहा है, क्योंकि अभी ये जस्ट ओनली 4 मंथ का डॉग है, इसकी काफ़ी बड़ी हाइट हो जाती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इसको कैसे ट्रेन करूंगा और इसको कैसे काम करूंगा, कैसे इसको सबमिसिव डॉग बनाऊंगा। इसको वर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि गाय के बाड़ों के लिए, भेड़ बकरियों के बाड़ों के लिए इसको यूज़ किया जाता है, कि लैपर्ड्स और लाइन से इसको उन जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाए। तो जल्दी ही मैं आपको एक इस डॉग के बिहेवियर के बारे में बताऊंगा और मैं इसको कैसे ट्रेन कर रहा हूं, मैं इसको कैसे इसको हैंडल करूंगा, सभी आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं इसको बाड़े से बाहर निकालूंगा और मैं देखता हूं कि ये कैसे मेरे साथ बिहेव करता है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, जल्दी ही आपको मैं इसकी आफ्टर 10 डेज के बाद ये कैसा रिएक्ट कर रहा है, मैं इसको कैसे ट्रेन किया है, सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मुझे थोड़ा सा इसके साथ थोड़ा मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि ये बहुत एनर्जेटिक है। अभी तक जब से लाए हैं अभी तक ये बाड़े से अपने बाहर नहीं आया है, तो जल्दी ही मैं इसको हैंडल करूँगा। आमिर साहब, होने के बावजूद भी इसमें बहुत मस्कुलर स्ट्रेंथ है और बहुत ही एनर्जेटिक है डॉग, बहुत ही ताकत है इसमें। बट इसको good dog, very good, good dog.
लग रहा है कि और इससे बढ़िया काम करवाया जा सकता है। तो आप देखिए रिच बैक 4 मंथ का ही काफ़ी पावरफुल और काफ़ी मस्कुलर डॉग है। सिद्धा नो अच्छा काम कर सकता है ये इजी। वेरी गुड। आफ्टर 12 डेज के बाद मैं फिर यहाँ पे रिच बैक के यहाँ आया हूँ। वो 12 डेज के बाद हमने जो है इसके ऊपर कंटिन्यू काम किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इसकी डाइट को थोड़ा सा बढ़ाया है, इसको डाइट ज़्यादा चाहिए थी, और इसकी प्लस एक्सरसाइज भी हमने बहुत ज़्यादा कंटिन्यू की है। उससे इसकी एनर्जी जो चैनलाइज हो जाती है, और अभी इस पे इसको थोड़ा सा पैम्परिंग करना कम किया है। तो आफ्टर 12 डेज के बाद रेपिटेशंस पे रेपिटेशंस करके हमने इसको सिट और स्टे की कमांड पे लगा दिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रिपेयर हो चुका है सिट और स्टे के लिए। आगे स्टेप टू स्टेप बहुत ही अच्छा काम करेगा, क्योंकि जो एक डॉग का पैक होता है उसमें जो है सबसे अल्फा मेल होता है जो रूल निर्धारित करता है, रूल बनाता है, और सभी पैक उसको ओबे करता है। यहाँ पे हम ऑनर हैं, हमने इसको पैक को जो इस डॉग के इस डॉग को हमने रूल बनाया है, इसको ओबे करना सिखाया है, उस रूल को उसी रूल के पैटर्न पे ये काम कर रहा है। अभी आप देखिए ये बड़े लूज लीच बैठा है, ऑफ लीच बैठा है, और बहुत ही काम असर्टिव से तरीके से बैठा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे सिट और स्टे की कमांड पे ले आए हैं। मैं 30 फुट दूर चला जाऊँगा या 40-50 फिट दूर चला जाऊँगा, डॉग उठेगा नहीं, प्रॉपर सिट और स्टे पे है, क्योंकि उसकी एनर्जी चैनलाइज हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप जैसे देख रहे हैं ये बैठा है हमारा डॉग रिच बैक। आप देखिए अभी भी मैं 15 फीट दूर हूँ उससे, और थोड़ा और ये वहीं पे ही स्टेबल बैठा है स्टे की कमांड पे, स्टे। तो आप थोड़ा सा और पीछे हो जाएं तो ये फिर भी ये कम से कम मैं 30 फीट दूर हूँ, डॉग वहीं पे स्टेबल बैठा है। कंटिन्यू रेपिटेशन देने के बाद इसका ये रिजल्ट आया है, और अब आप देखिए कि कैसे ये बहुत ही काम असर्टिव तरीके से बैठा है। उसमें कोई वो जो उसकी एनर्जी उसके अंदर जोर मार रही थी उठने के लिए, भागने के लिए, भौंकने के लिए, वो कम कर गया है, और धीरे धीरे और रेपिटेशन होने के बाद ये प्रॉपर काम पे लग जाएगा ये डॉग। स्टे गुड बॉय, वेरी गुड स्टे। मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको यही दो चीज़ों पर फोकस करना सिखा रहा हूँ कि आप अपने डॉग को एक्सरसाइज ज़रूर दीजिए, आप उसकी डाइट को ज़रूर कंट्रोल कीजिए। अगर आप अपने डॉग को एक्सरसाइज नहीं देंगे, उसकी डाइट को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आप उसको अच्छा काम और सबमिसिव नहीं बना सकते हैं। जब तक उसकी एनर्जी उसकी बॉडी में से निकलेगी नहीं, चैनलाइज नहीं होगी, तो वो एक ओबीडियंट डॉग नहीं बन पाएगा। अगर आप उनको अच्छी ओबीडियंट ट्रेनिंग सिखाना चाहते हैं, तो आप अपने डॉग को एक्सरसाइज ज़रूर दीजिए, उसकी डाइट पर काम कीजिए। मैं हर एक वीडियो में यही मैसेज आपको बार बार दोहराता हूँ, क्योंकि जिन जिन लोगों ने अपने डॉग के ऊपर काम किया है, उसको एक्सरसाइज करवाई है, उसका डॉग बाखूबी तरीके से ओबीडियंट बना है, बाखूबी तरीके से काम करता है। तो मेरी वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ बने रहिएगा, ऐसे ही मैं आपको नई नई डॉग बिहेवियर प्रॉब्लम्स के ऊपर और डॉग ट्रेनिंग के ऊपर मैं वीडियोस डालता रहूँगा। और आप मुझे अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर दीजिए, ताजो मुझे भी पता चले कि आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं, उस पर मैं जल्दी ही नई वीडियो क्रिएट करके आपके सामने पेश करूँगा। धन्यवाद।